हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सब हेडिंग अंडर द टॉपिक हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इज मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स और वी कैन से मोड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स द टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट. बेसिकली देर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन मेनली देर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन मेनली First is asexual reproduction and second one is sexual reproduction. ठीक है. Asexual reproduction जो होता है it generally occurs in lower forms. It generally occurs in lower forms like it occurs in protozoans, cylindrates. Okay, but it acts absent in almost the invertebrates and all the vertebrates. जितने भी higher invertebrates होते हैं उसमें absent होता है and in all the vertebrates. तो asexual reproduction जो होता है, what is asexual reproduction? पहले हम asexual reproduction देखेंगे, फिर बाद में sexual reproduction. तो asexual reproduction क्या होता है? It is a reproduction in which only a single parent is involved. ठीक है. इस तरह की रिप्रोडक्शन में देर इज नो गैमेट फॉर्मेशन, देर इज नो फ्यूजन और द फर्टिलाइजेशन ऑफ द गैमेट्स टेक्स प्लेस. क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन हो नहीं रहा है तो नो फ्यूजन और द फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स टेकिंग प्लेस आर टेकिंग प्लेस एंड इट इन्वॉल्व्स ऑनली अ सिंगल पेरेंट. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ऑनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है. इसमें क्या होगा, सिंगल पेरेंट जो होते हैं इज इन्वॉल्व फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कि मैंने बताया गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता तो क्या हो गया, इट विल नॉट लीड टू एनी वेरिएशन. किसी तरीके का वेरिएशन नहीं होगा ऑफस्प्रिंग्स में. जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जैसा पेरेंट में रहेगा सिमिलर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग. ठीक है. तो जो ऑफस्प्रिंग होंगे दे आर टोटली अलाइक टू देयर पेरेंट्स. इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग्स आर totally similar to their parents as well as themselves, similar to their parents as well as themselves. तो इन ऑफस्प्रिंग्स को क्या बोलते हैं, these offsprings they are known as clones. इन ऑफस्प्रिंग्स को क्या बोलते हैं, they are known as clones. तो clones are, it means कि offsprings are genetically similar. They are totally similar or you can say totally genetically similar. तो please write down it here. Totally genetically similar to their parents as well as themselves, right? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे मैंने बताया अकरेंस कहां प्रेजेंट रहेगा, तो इट इज प्रेजेंट इन, अगर इसके अकरेंस की बात देखें तो वेयर कैन यू फाइंड दीज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, तो इट इज प्रेजेंट इन द प्रोटोजोअन्स एंड लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स. लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसमें क्या होता है, why the offsprings are totally genetically similar to their parents, because they are divided by the process of the mitotic cell division. ठीक है. क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि they involve the type of cell division which is known as the mitosis. Lower parents में, lower plants में, animals में होता है and it is absent in almost in higher invertebrates
higher invertebrates and all the vertebrates and all vertebrates, यानी कि जितने भी vertebrates होते हैं या lower जितने भी higher invertebrates होते हैं, they do not reproduce, they do not reproduce by the process of asexual reproduction, right? Now this asexual reproduction is again of many types. So let's see the type of the asexual reproduction. Types of asexual reproduction. So the first type of asexual reproduction is fission. फ्यूजन में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द सेल डिवाइड्स इनटू जनरली टू और मोर देन टू सेल्स. नाउ दिस फ्यूजन इज अगेन ऑफ टू टाइप्स. इट इज इसमें क्या होगा, सेल विल डिवाइड इनटू टू और मोर देन टू सेल्स, राइट. नाउ दिस फिजन इज अगेन ऑफ टू टाइप्स. ये जो फिजन होता है इट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स. ये दो तरीके का फिर से होता है. पहला होता है बाइनरी फिजन एंड द सेकेंड इज मल्टीपल फिजन, ठीक है. तो यहां पे मैंने दिखाया फिजन में, बताया आपको फिजन के डिफिनेशन में कि सेल डिवाइड इंटू सेल और ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. दिस टाइम वी आर डीलिंग विद द रिप्रोडक्शन. तो जनरली फ्यूजन इट अकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो यू कैन राइट दिस हियर, ठीक है. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिवाइड इनटू टू और मोर देन टू सेल्स और ऑर्गेनिजम्स. तो जो बाइनरी फ्यूजन होता है, जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है कि इट विल डिवाइड इन दिस टाइप ऑफ डिवीजन द सेल और द ऑर्गेनिज्म, द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इट विल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स, ठीक है. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पेरेंट, यूनिसेलुलर पेरेंट ऑर्गेनिज्म विल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स. एक जो पेरेंट सेल होगा इट विल डिवाइड इनटू यूनिसेलुलर सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म इनटू टू डॉटर सेल्स. नाउ ये जो बाइनरी फिशन में क्या होता है, इट इज द प्लेन ऑफ द एक्सेस विच मैटर्स, ठीक है. प्लेन ऑफ द डिवीजन, it is the plane of the division which matters. It when it passes through the longitudinal axis, then the such type of reproduction binary fission is known as longitudinal binary fission. When it will pass through the transverse axis, then it is known as the transverse binary fission. And when the plane of division will pass through any axis, then it is known as the simple binary fission. So on the basis of the plane of division, this binary fission is again of three type. तो ये बाइनरी फ्यूजन जो है इट इज अगेन ऑफ थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिविजन्स, ठीक है. तो तीन तरीके के कौन कौन से होते हैं ये. नंबर वन इज सिंपल बाइनरी फ्यूजन. सिंपल बाइनरी फिशन में क्या होता है, प्लेन ऑफ डिवीजन कैन पास थ्रू एनी एक्सिस, ठीक है. प्लेन ऑफ डिवीजन कैन पास थ्रू एनी एक्सिस. जैसे मान लो ये अमीबा है, ठीक है. एक अमीबा सेल है, न्यूक्लियस है, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूलर. तो इसमें प्लेन ऑफ डिवीजन कैन पास थ्रू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस,
प्लेन ऑफ डिवीजन कैन पास थ्रू ट्रांसवर्स एक्सिस, मतलब ये ट्रांसवर्सली भी इट कैन कट इनटू टू सेल्स, इट कैन डिवाइड इनटू टू सेल्स, लॉन्गिट्यूडनली ऑल्सो इट कैन बी डिवाइडेड, इट कैन बी कट इनटू टू पीसेस, टू सेल्स. सो और ऑब्लिकली ऑल्सो इट कैन डिवाइड इनटू, सो प्लेन ऑफ डिवीजन कैन ऑल्सो बी द ऑब्लिक. सो this is this type of binary fission is known as simple binary fission and it occurs, it is found in amoeba mein hota hai. You can observe them, this type of division, in bacteria also. Second type of binary fission is longitudinal binary fission. Longitudinal binary fission. In such type of binary fission, the plane of division will pass through the longitudinal axis. जैसे ये देख रहे हो longitudinal axis के through plane of division will pass. तो इसमें क्या होगा, इट इज सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड, सच टाइप ऑफ binary fission इज फाउंड इन लीशमानिया. लीशमानिया इज अ वर्म विच कॉजेज द डिजीज काला अजर. काला अजर आपने सुना होगा, एक डिजीज होती है विच इज कॉज्ड बाय द लीशमैनिया. इट इज ऑल्सो फाउंड इन युगलीना. युगलीना ऑल्सो डिवाइड्स बाय द लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन. थर्ड टाइप ऑफ बाइनरी फिशन इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन. ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, जिससे नाम से आपको समझ में आ रहा है कि प्लेन ऑफ डिवीजन विल पास थ्रू द ट्रांसवर्स एक्सिस. जैसे कि ये आपने देखा होगा, सपोज दिस इज पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम में मेगा न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस. तो प्लेन ऑफ डिवीजन विल पास थ्रू द ट्रांसवर्स एक्सिस, इस तरीके से पैरामीशियम विल डिवाइड इंटू टू डॉटर सेल. तो दिस इज नोन एज द ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन. इट इज फाउंड इन पैरा मीसियम. सो दिस इज ऑल अबाउट द बाइनरी फिशन. नेक्स्ट विल डिस्कस मल्टीपल फिशन. सो इन बाइनरी फिशन एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हाउ द डिविजन अकर. सपोज दिस इज अमीबा, जो बाइनरी फिशन नॉर्मल देख रहे हैं हम. तो इसमें क्या होगा, दिस इज न्यूक्लियस and this is cytoplasm. एक रफ स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं. तो पहले क्या होगा, देर विल बी अ कॉन्स्ट्रिक्शन इन द न्यूक्लियस एज वेल एज द कॉन्स्ट्रिक्शन इन द बॉडी ऑफ द इन द सेल ऑफ द अमीबा. तो लेट्स सी, पहले न्यूक्लियस विल इलोंगेट, इस तरीके से न्यूक्लियस जो है वो इलोंगेट होगा ऐसे, विच इज अकम्पनीड बाय अ कॉन्स्ट्रिक्शन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म लाइक दिस. अगेन क्या होगा, दिस कॉन्स्ट्रिक्शन विल डीपन, ये कॉन्स्ट्रिक्शन डीपन होगा और गहरा होगा लाइक दिस, है ना. और न्यूक्लियस भी क्या होगा, और इलोंगेट होगा और फाइनली इट विल रीच इनटू द टू, ये जो दो पार्ट है सेल के इसमें पहुंचेगा. फिर इट विल यहां से इट विल ब्रेक इनटू टू न्यूक्लियस और ये कॉन्स्ट्रिक्शन भी और डीप होते हुए इट विल कट द पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल. तो नाउ इन दिस वे द टू डॉटर सेल्स ऑफ अमीबा विल बी फॉर्म्ड लाइक दिस, विच आर इरेगुलर इन शेप. सो दिस इज अ पेरेंट सेल, ये पेरेंट अमीबा सेल है, ठीक है, और इट गिव्स राइज टू टू डॉटर अमीबी, two daughter cells of amoeba, right? So this is how the binary fission occur in amoeba. Next I am going to discuss multiple fission. Multiple fission mein kya hota hai, multiple fission mein suppose it occurs, for example I am taking the example of plasmodium. Multiple fission occurs in plasmodium, ठीक है. तो ये suppose plasmodial cell है, this is cytoplasm और इसके अंदर ये है nucleus. Nucleus को हम बनाते हैं pink color से,
Suppose this is nucleus, ठीक है, it is a plasmodial cell, this is cytoplasm and this is nucleus. अब क्या होगा, पहले इसमें आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, न्यूक्लियस जो है इट विल डिवाइड इनटू मेनी स्मॉल पीसेस एंड विल अरेंज अलोंग द पेरीफेरी. न्यूक्लियस डिवाइड होगा छोटे छोटे पीसेस में और ये पेरीफेरी की तरफ जाकर के अरेंज हो जाएगा लाइक दिस. दिस आर द स्मॉल पीसेस ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, अब इसके चारों ओर सम साइटोप्लाज्म विल एक्युमुलेट, उसके चारों ओर कुछ साइटोप्लाज्म एक्युमुलेट जाएंगे हर न्यूक्लियस के चारों ओर. ठीक है, राइट. तो पहला क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, न्यूक्लियस है डिवाइड्स इनटू मैनी पीसेस. इसके बाद क्या हो रहा है, सेकेंड स्टेप, साइटोप्लाज्म गैदर्स अराउंड ईच पीस. साइटोप्लाज्म गैदर्स अराउंड ईच पीसेस. इसके बाद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड. उसके बाद अ मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड. आफ्टर दैट अ मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अराउंड ईच पीस. ठीक है, सारे पीसेस के चारों ओर एक मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगा लाइक दिस. यू कैन सी हर पीस के चारों ओर एक मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगा. उसके बाद क्या होगा, द मेम्ब्रेन ऑफ द पेरेंट सेल विल बर्स्ट, इट विल रप्चर. मेम्ब्रेन ऑफ द पेरेंट सेल, मेम्ब्रेन ऑफ पेरेंट सेल विल रप्चर. ठीक है, और इट विल गिव राइज टू मेनी डॉटर प्लाज्मोडियल सेल्स. इसके बाद डॉटर सेल्स विल ऊज आउट. ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आप देख रहे हो, लास्ट स्टेप, फाइनली द डॉटर सेल्स विल ऊज आउट एंड गिव राइज टू न्यू प्लाज्मोड. दिस इज द डॉटर प्लाज्मोडियल सेल. ठीक है, दिस इज द डॉटर प्लाज्मोडियम. सो दिस इज हाउ द मल्टीपल फिशन टेक्स प्लेस. नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बडिंग. द सेकेंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो बडिंग होता है. बडिंग में क्या होता है, स्मॉल जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इट जनरली अकर्स इन हाइड्रा एंड ईस्ट. एग्जाम्पल, इट अकर्स इन ईस्ट एंड हाइड्रा. देर आर सम एक्टिविटीज विच आर गिवन इन योर बुक्स, इन योर बुक एनसीईआरटी बायोलॉजी. तो आई विल डिस्कस दोज एक्टिविटीज लेटर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो हाइड्रा में बडिंग होती है, फॉर्मेशन ऑफ बड टेक्स प्लेस. बडिंग में क्या होगा, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स. एक एग्जांपल हम देखते हैं ईस्ट को लेते हुए. सपोज दिस इज एन ईस्ट सेल, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज साइटोप्लाज्म. अब क्या होगा, देयर प्रोट्यूबरेंस विल अकर ऑन द सर्फेस ऑफ द ईस्ट सेल. देयर अकर अ प्रोट्यूबरेंस, अ प्रोट्यूबरेंस विल अकर ऑन द ईस्ट सेल. साथ ही साथ क्या होगा, न्यूक्लियस विल एलोंगेट एंड इट विल सम पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस विल एंटर इन टू दिस प्रोट्यूबरेंस लाइक दिस. तो जो ये प्रोट्यूबरेंस है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ डॉटर ईस्ट सेल. दिस विल गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ अ डॉटर ईस्ट सेल. अब क्या होगा, जहां से प्रोट्यूबरेंस अराइज हुआ था वहां पर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा. ठीक है, वहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन होगा जिससे कि ये जो डॉटर सेल है इट विल कट ऑफ फ्रॉम द पेरेंट सेल लाइक दिस. द कॉन्स्ट्रिक्शन अक्कर इस तरह से आप देख रहे हो, और डीपेंड होगा ये कॉन्स्ट्रिक्शन, और ये जो न्यूक्लियस है ये इसमें पहुंचा हुआ है
and after that sometime a new daughter cell will be formed. अब कभी कभी क्या होता है, नाउ दिस इज द डॉटर सेल एंड दिस इज द पेरेंट सेल. दिस इज द पेरेंट इज सेल. समटाइम्स क्या होता है, दीज डॉटर सेल्स दे रिमेन अटैच्ड विद द पेरेंट बॉडी. तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे करके तीन चार डॉटर सेल्स जो होते हैं वो पेरेंट बॉडी से अटैच्ड रहते हैं. तो इस स्टेज को क्या बोलते हैं, द स्टेज व्हेन द डॉटर सेल्स 2 to 4 डॉटर सेल्स दे रिमेन अटैच विद द पेरेंट बॉडी. दिस स्टेज इज नोन एज द टोरुला स्टेज एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द टोरुलेशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज टोरुलेशन. सो दिस अकर, दिस बडिंग प्रोसेस इट अकर्स इन ईस्ट. Next process of asexual reproduction is fragmentation. Fragmentation जो होता है it occurs not only in the single celled organism but it occurs in the organism which are multiple, which are multicellular but with lower body organization. जो it occurs in the multicellular organisms with lower body organization. ठीक है, इसमें क्या होगा, सपोज एन एग्जाम्पल हम इसमें देख सकते हैं, इट अकर्स इन स्पाइरोगायरा. सपोज दिस इज द फिलामेंट ऑफ स्पाइरोगायरा, दिस इज अ फिलामेंट ऑफ स्पाइरोगायरा, अ रफ स्ट्रक्चर आई एम ड्रॉइंग हियर. ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ मेनी सेल and each cell has some nuclei, each cell has a nucleus and cytoplasm and other cellular structure. अब क्या होता है, suppose due to any friction, due to any reason, due to any injury, the cell will divide into many fragments like this. तो अब हर वो segment, हर वो fragment जो होता है जिसमें कि nucleus present रहेगा, it will give rise to 2 daughter cells. तो ये दो fragment, इसने क्या हुआ, हम इससे हमें दो fragment मिले, है ना, और दिस फ्रेगमेंट, दिस इज द फ्रेगमेंट है एंड दिस इज द फिलामेंट ऑफ स्पाइरोगैरा एंड दिस इज द फ्रेगमेंट ऑफ स्पाइरोगैरा. नाउ दिस फ्रेगमेंट विल गिव राइज टू न्यू फिलामेंट ऑफ द स्पाइरोगैरा. सो दिस इज द डॉटर फिलामेंट ऑफ this is the daughter filament of spirogyra. Okay, so this type of reproduction, asexual reproduction, is known as fragmentation. Now next type of asexual reproduction is regeneration. रीजेनरेशन, इसमें क्या होता है कि मैनी, देर आर मैनी फुली डिफ्रेंशिएटेड सेल्स, फुली डेवलप्ड एंड डिफ्रेंशिएटेड सेल ऑर्गेनिजम्स आर देयर वेयर देयर सेल्स हैज द एबिलिटी टू गिव राइज टू द न्यू ऑर्गेनिज्म. ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, दिस एबिलिटी इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स, ऑल द ऑर्गेनिजम्स. इट इज अकर ओनली इन certain organisms like Hydra and Planaria. Regeneration is found in Hydra and Planaria. There are some specialized cells are present in their body which has the ability to divide and give rise to the new organisms. मतलब इनमें क्या होता है कि दे आर फुली डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स, इनकी जो सेल्स होते हैं दे आर फुली डिफ्रेंशिएटेड, और अगर इनका बॉडी पार्ट कहीं से भी, कोई भी बॉडी पार्ट अगर इनका लॉस्ट होता है तो दैट बॉडी पार्ट विल बी रीजनरेटेड अगेन बाय द एक्टिविटी, बाय द एक्शन ऑफ दिस स्पेशलाइज सेल्स विच आर प्रेजेंट इन देयर बॉडी. जैसे हाइड्रा है, मान लो कोई भी हाइड्रा का बॉडी पार्ट है सपोज, या प्लेनेरिया लेते हैं मैं एक एग्जाम्पल,
this is planaria, suppose, and suppose it's body part, it is divided into three parts. ठीक है, तो इसके तीन पार्ट हो गए. इट विल गिव राइज, अगर हम इसको कर रहे हैं, दिस इज द अपर पार्ट, दिस इज द मिडल पार्ट एंड दिस इज द लोअर पार्ट. ठीक है, नाउ ईच पार्ट हैज द एबिलिटी टू डिवाइड एंड रीजनरेट lost body part and forms the new organisms for the and forms the new body like this. And forms the new body, right? Like this. This is the middle part which gives rise to the which gave rise to the new organisms body like this, and this is the you can see in this way the regeneration occurs in all the part of the body. ठीक है, all the parts of the body can regenerate and form the new organism's body. So this is known as the regeneration. ठीक है ना, तो it is not present in all the organisms, it is present in only certain organism, very few organism, due to the presence of these specialized cells which are also known as the totipotent cells, which has the ability to give rise to the new cells, new body. तो regeneration में क्या होता है, it is not exactly the mode of the reproduction. ठीक है, it is slightly different. It has in the formation of the lost body part, yes, it also give rise to the new organism body with the help of the any body part of the organism. ठीक है, so this is regeneration. Next is spore formation. ये जो रीजनरेशन है, इट इट हेल्प्स इन द रिपेयर, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट. एक तो लॉस्ट बॉडी पार्ट जो है वो बॉडी पार्ट जो कोई लॉस्ट हो गई, सपोज हाइड्रा है, मान लीजिए हाइड्रा है, सपोज दिस इज द हाइड्रा. ठीक है, और यहां पे कोई इसका टेंटिकल है, और ये टेंटिकल सपोज इट इज लॉस्ट, है ना, तो क्या होगा, दिस लॉस्ट टेंटिकल इट विल अगेन विल ये लॉस्ट टेंटिकल्स है. ठीक है, तो दिस विल अगेन हेयर द रीजनरेशन विल अकर इन द लॉस्ट बॉडी पार्ट, द रीजनरेशन विल अकर एंड इट विल गिव राइज टू द न्यू ऑर्गेनिजम्स बॉडी like this. So this is how the regeneration occurs in hydra. So repair, here it shows the repair of the lost body part, repair of the lost body part. So regeneration, it involves both in the repair of the lost body part as well as the formation of the new body of the organism. Spore formation, it generally occurs in fungi. This mode of asexual reproduction, आपको you will find it fungi in cocci bacteria, in bacillus bacteria, है ना? So in cocci and bacillus group of bacteria, you will find this type of spore formation. इसमें क्या होता है, जो there is a sporangium formation occur at the end of the organism's body. ठीक है, दिस इज स्पोरेंजियम. अब स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है. तो दिस न्यूक्लियस विल डिवाइड, जैसे हमने मल्टीपल फ्यूजन में देखा था, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस विल इनलार्ज एंड इट विल डिवाइड इनटू अगेन मेनी स्मॉल न्यूक्लियस. ठीक है, अब सब न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म विल गैदर इस तरीके से. ठीक है, एंड आफ्टर दैट अब क्या होगा, आफ्टर सम टाइम द वॉल ऑफ द स्पोरेंजियम विल बर्स्ट, विल रप्चर एंड दिस विल गिव राइज टू द न्यू स्पोर. तो ये क्या हो रहा है, ये दीज आर द स्पोर्स, दीज आर द स्पोर्स बेसिकली, है ना, स्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द इन स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम इज द स्ट्रक्चर विच इनसाइड विच द स्पोर्स आर फॉर्म्ड. नाउ आफ्टर द रप्चर ऑफ द स्पोरेंजियम वॉल, द स्पोर्स दे spores they are liberated out.
लिबरेटेड स्पोर्स, ठीक है. सो दिस इज हाउ द स्पोर फॉर्मेशन अकर. सो दिस इज ऑल अबाउट द एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द वेजिटेटिव. नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज प्रेजेंट इन प्लांट्स बेसिकली. इट इज एब्सेंट इन एनिमल्स, ठीक है. प्लांट्स में होता है एंड सच टाइप ऑफ प्रोपेगेशन, सच टाइप ऑफ मेथड इज यूटिलाइज्ड बाय टेक्स प्लेस. सच टाइप ऑफ मेथड इज यूज बाय यूटिलाइजिंग द प्लांट पार्ट, द वेजिटेटिव प्लांट पार्ट्स. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. व्हाई इट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बिकॉज द प्लांट प्रोडक्शन और द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स टेक्स प्लेस with the help of utilizing the vegetative part of the plant, ठीक है. तो vegetative propagation में क्या होता है, plants के जो है vegetative parts का utilization करते हैं. vegetative parts क्या होते हैं, जैसे होता है root, stem and leaf. So these are the vegetative parts of the plant and these parts are utilized to propagate the plant. प्रोपिगेशन कैसे होता है, प्रोपिगेशन मल्टीप्लीकेशन के थ्रू होगा. मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, बाय परफॉर्मिंग द रिप्रोडक्शन. सो इट्स अ मीन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द प्लांट्स आर प्रोपिगेटेड बाय यूटिलाइजिंग द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट. एंड दिस वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर रूट, स्टेम एंड लीव, राइट. अब वेजिटेटिव प्रोपिगेशन एक ऐसा मेथड होता है कि इसके थ्रू जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, दे हैव द कैपेसिटी टू ग्रो फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्लियर एज कंपेयर टू द प्लांट्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द सीड्स, राइट. जो जैसे प्लांट्स जनरली सीड्स के थ्रू ग्रो किया जाता है ना जनरली, लेकिन तो उन सीड्स के थ्रू जो प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें जो फ्लावर और फ्रूट का प्रोडक्शन होगा, दे इट इज डिलेड एज कंपेयर to the formation of flower and fruits in the plants which are produced by the vegetative propagation, right. तो vegetative propagation जो होता है इसके through जो plants produced होते हैं, propagation helps in early production of flowers and fruits in plants as compared to those plants as compared to those plants which are produced by the seeds, ठीक है. तो vegetative propagation it helps in early production of flowers and fruits in plants as compared to those plants which are, yeah you can write it as compared to those plants which are produced by seeds, यानी कि जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं. एक और खासियत होती है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑल्सो इंश्योर्स द फॉर्मेशन ऑफ द प्लांट्स इन दोज टाइप ऑफ द प्लांट्स इन विच द सीड फॉर्मेशन इज एब्सेंट, विच लैक्स द सीड. जनरली क्या होता है, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि सीड फॉर्मेशन जो होता है, सीड के थ्रू प्लांट फॉर्मेशन एबिलिटी इज ऑलमोस्ट एब्सेंट और इट इज नेग्लिजिबल. तो उन जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैस्मीन हो गया, रोज हो गया, जैस्मीन है, रोज है, बनाना है, ऑरेंजेस है, इनमें क्या होता है, इनमें सीड फॉर्मेशन जो है एब्सेंट है. तो इट दे आर ऑल्सो प्रोपेगेटेड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन,
they are also multiplicated by the vegetative propagation. ठीक है, तो generally vegetative propagation is very much useful in the production of plant in sugar cane, in the propagation of the plant like sugar cane, rose and grapes. ठीक है, so